रहीम उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और आपकी आपके से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ तो यहाँ हमने सुबह सुबह जो थी टॉफियों की दुकान खोली हुई थी तो यहाँ पर हमने मंगवाई थी कुछ टॉफियाँ वग़ैरह मेरे हस्बैंड ने मंगवाई थी कोयटा से तो यहाँ पर मेरा बेटा जो था इसके पैकेट्स वगैरह बना रहा था और ये मेरे हस्बैंड ने दोस्तों की वक्त को देना था तो यहाँ पर देखिए आप मेरा बेटा जो था ये पैकेज बना रहा था और किस चीज़ के पास जाएँगे मेरे हस्बैंड को तो भी बताया तो हम इसके पैकेज बना के रख देंगे और यहाँ पर जिया ने खोला था बैग क्या क्या मेरे लिए आया था आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे आपको बताएंगे तो ये था जिया का सूट मेरा और जिया का एक जैसा था और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये भी जिया का था क्योंकि वो लाई थी कि आप ही मुझे बना के देना मैं इसको सी लूँगी ये भी जिया का था और ये मेरी शर्ट थी ये भी मेरी थी ये भी मेरी थी और ये सूट भी मेरा था और यहाँ पर ये भी मेरा था तो ये जिया का सूट था इसमें मेरी और जिया की शर्ट थी ये आप देख सकते हैं ये कपड़े वगैरह मेरे लिए अम्मी के घर से आए हैं अल्लाह अम्मी और अबू को ज़िंदगी दे तो वहाँ से कुछ ना कुछ आ जाता है क्योंकि परदेश में जो बेटी होती है ना तो उनके लिए जो थोड़ी सी चीज़ भी आए ना तो बहुत खुशी की बात होती है तो यहाँ पर यहाँ पर अम्मी ने मेरे लिए बहुत कुछ भेजा था तो यहाँ पर जिया और भी सामान निकालती बैग बहुत भरा हुआ था मैंने इसको कहा पहले निकाल दो फिर बाद में डाल देना आराम से तो यहाँ पर जो था ये कोई कपड़ा निकालती थी नेट का ये मेरी जो थी बहन ने मेरे लिए भेजा कि आप ही आपने ना इस नेट का ना सूट बनाना है आप अच्छा लगेगा तो उसने वो भिजवा दिया था वो दिखा रही थी और कुछ उसका अपना सामान था इसमें जो थे धागे वगैरह और लेसें वग़ैरह भी मैंने मंगवाई थी और यहाँ पर जिया जो थी ये डब्बा खोरी थी ये भी मेरी सिस्टर ने मेरे लिए ज्वेलरी भेजी है ये आप देख सकते हैं इसमें दो सेट हैं जो तो अब शादी आएगी इन मैं उसमें यह पहनूंगी तो यहाँ पर मैंने इसको बोला भी साइड पे रख दो और ये इनका अपना बैग था इनसे साम या यहाँ पर जो था मेरे चाचू ने जो था मेरे हस्बैंड के लिए सूट भेजा था तो बड़ा ज़बरदस्त कलर था और बहुत अच्छी ब्रांड का था मेरे हस्बैंड के लिए भेजा था और मेरे बेटे के लिए भी भेजा था तो ये मेरे हस्बैंड का था और वो आपने जैसे पिछली वीडियो में देखा होगा वो अचानक आए थे खाली याद आए थे तो उन्हें अच्छा नहीं लग रहा था कि हम खाली याद गए थे तो उन्होंने बाबा को दे के बाबा ने यहाँ पर भिजवाया तो चाचू थैंक यू सो मच आपने ये गिफ्ट दिया और ये था मेरे बेटे का तो वो दोनों सूट अब बनेंगे और ये पहनेंगे फिर आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे कि कैसे लगे थे। और ये जो था फैब्रिक बहुत ज़बरदस्त था ब्रांड थी और यहाँ पर मेरी सिस्टर ने मेरे लिए भेजे बीज और आप देख सकते हैं ये टॉफ़ियों का पैकेट जैसे हमने पैकेट बना के रखे हुए थे और यहाँ पर जो थी बड़ी हुई शापर थी इसमें क्या क्या निकलने वाला आपको बताती हूँ ये थे से जो कि अम्मी और जिया ने मिल के मेरी हस्बैंड के लिए गिफ्ट भेजा था तो ये आप देख सकते हैं तो ये अभी तक ट्राई नहीं किया कैसा है कैसा नहीं है तो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ मेरे लिए क्या क्या आया है और ये मेरी बहन और छोटी सी भांजी ने मेरे लिए ये जेलियाँ वगैरह बिस्किट वगैरह मेरे लिए बहुत सारी चीज़ें भेजी थी थैंक यू सिस्टर एंड शानजे तो यहाँ पर ये देख सकते हैं हम बहुत सारी चीज़ें निकली ख़त्म ही नहीं हो रही थी तो मैंने सोचा आपके साथ शेयर करूँ उम्मीद है आपको मेरी वीडियोस पसंद आती होगी और दो दिन से मैं इसलिए वीडियो नहीं बना पा रही हूँ क्योंकि मेरी तबीयत बहुत ख़राब है आपको आवाज़ से अंदाज़ा हो रहा होगा और ये देखिए काफ़ी सारी जेलियाँ मेरी भांजी और मेरी बहन ने भेजी है तो ये कब ख़त्म होगी मुझे कुछ पता नहीं और ये चॉकलेट्स हैं और यहाँ पर थे बहुत सारे कोको के पैकेट्स भी लिए थे तो उम्मीद है आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी चैनल को सब्सक्राइब करें लाइक करें कमेंट करें और शेयर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलिए और ये नीमको वगैरह भी थी तो ये देख सकते हैं मैं दिखाई थी तो मेरा भाई कहता है जो लाहौर से आए थे कहते हैं आप भी या ना दुकान खोल के बैठ जाएं तो ये इतना सामान था और अभी तक मैंने कुछ खाया भी नहीं और ये एयर लेके आई थी मैं बाज़ार से आज की वीडियो मेरी यहीं तक थी कल एक नई वीडियो के साथ हाज़िर होंगी अभी मुझे दीजिए इजाज़त अल्लाफ़